दोनों मूर्ति बंद करके जितना जोर से खड़ा जला दो ताकि मंडी के लोगों को पता लगे कि जिले भर के कार्यकर्ता इनको भी उत्साह दे रहे हैं। भारत माता के क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब यहां जो बैठे हैं आज, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, पार्टी पदाधिकारी हो, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, और चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब एक समान कार्यकर्ता है। आज अगर मंच पर बैठने का मौका मिला है तो ये सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं के बदौलत मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो कहीं भी पहुंच जाए, भूमिका उसके कार्यकर्ता की होती है। हम सब अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका को बनाए रखें। सफर बड़ा लंबा है, बाकी सब पार्टियां जब सत्ता प्राप्त कर लेती है तो ऐसा मानते हैं कि उनके सफर की, उनकी यात्रा, उसका लक्ष्य ये पूरा हो गया है। अब उसी का लाभ उठाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, पता नहीं बाद में ये सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हम अपनी यात्रा की ऐसा मानते हैं कि विपक्ष में संघर्ष करना तो एक यात्रा का हिस्सा था, लेकिन सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करने की दूसरी यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई है। इसलिए हम उस यात्रा की शुरुआत में, अब शुरुआत में हमको पता है कि बहुत लंबा आगे चलना है। इस देश का स्वाभिमान जगाने के लिए, देश की गरीब जनता की सेवा करने के लिए, अपने देश को दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा, यानी विश्व गुरु बनाने की बात जो मैं सोच रही हूं, पूरा करने के लिए ये यात्रा हमने शुरू की है। और मैं आह्वान करता हूं, प्रारंभिक आह्वान करता हूं कि हमारे सब कार्यकर्ताओं को ये मन में ध्यान रखना है कि हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि हमारी यात्रा क्या, हमारी यात्रा शुरू हो गई। सत्ता प्राप्ति का जो 5 साल के बाद दूसरा अवसर हमारे पास आया है, पहला अवसर 2014 में पूर्ण बहुमत था। इससे पहले भी हम सत्ता को प्राप्त करते रहे, नहीं करते, किसी के सहारा लेकर के करते रहे, कभी दूसरे दलों का सहारा केंद्र में भी, कभी हमने प्रदेश में दूसरे दलों की सरकार अपना सहारा देकर बनवाई, कांग्रेस को दूर रखा, लेकिन उस सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा, सेवा की यात्रा, देश को, विश्व को, विश्व के ऊंचे स्थान पर पहुंचाने की यात्रा हम शुरू नहीं कर पाए। हमने अब वो यात्रा शुरू की है और पहला 5 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का पूरा हुआ, हरियाणा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, यात्रा का दूसरा सत्र 5 साल में शुरू होने जा रहा है। और दूसरे सत्र की इस प्रकार की शुरुआत आपने कराई है, खास करके हरियाणा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो गया है। मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि जीते तो 10 की 10 में, लेकिन इतने बड़े बड़े माध्यम से जिसका कोई सोच नहीं सकता था, छह लाख 56,000
इस इसकी फरियाद की है जो मेरा 6,38,000 रुपये जीते तो क्षेत्र में भी बहुत बड़े माध्यम से जीते हैं। जब क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के चुनाव के दो में चर्चा होती थी तो यहाँ के कार्यकर्ता कहते थे यहाँ 1.5 से 2 लाख का हमारा माध्यम होगा और चुनाव परिणाम जिस दिन आया उस दिन हमको पता है कि ये सीट भी 3,85,000 वोट से ये सीट हमें जीती। आप सब उसके जीत का श्रेय देने वाले आप सब कार्यकर्ता कि तुम थोड़ा योगदान करो गरीब की सेवा करो। जातिवाद को खत्म करने के लिए दो जातियों में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की जनता की दो जातियां मानता हूं, एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है गरीब को गरीबी से बाहर करने के लिए गरीब की सहायता करने वाला वो व्यक्ति जो इनकी सहायता के लिए आगे आता है उसकी दूसरी जाति, कोई जाति नहीं। आज के बजट में भी आपने देखा होगा उन्होंने अमीर लोगों के ऊपर थोड़ा टैक्स लगाया, उन्होंने कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बैंक से कोई साल भर में नकद निकालता है तो उसको 2% का टैक्स लगेगा, अर्थात नकद पैसा निकालने के बजाय आप ऑनलाइन करो, आप लोग RTGS से ट्रांसफर करो, चेक से ट्रांसफर करो, नकद निकालने से थोड़ा रोक लगाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और दे करके निकालेगा, ये 2 लाख गरीबों की जनता के काम आएगा। जो गरीब मध्यम वर्गीय जिन लोगों को मकान चाहिए अभी तक उनको 2 लाख 2.5 लाख की सहायता मिलती थी, आज से 3.5 लाख रुपए की सहायता ये उन्होंने घोषणा कर दी है 3.5 लाख। तो इस प्रकार से गरीबों के हित के लिए ये सरकार काम कर रही है। विपक्ष के लोगों ने एक और आपत्ति की, क्या आपत्ति की कि आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, आप और किसी बात से वोट नहीं मांगते हैं। हमने कहा भाई ये कौन सा आरोप है, हमारे नेता है हम अपने नेता के नाम से वोट नहीं मांगेंगे तो क्या तुम्हारे नेता के नाम से मांगेंगे। मैंने एक इस आरोप के पीछे लॉजिक क्या है, वो तो कहता क्या करें मजबूर होकर के कोई आरोप लगाना पड़ रहा है, आपके पास कोई क्लीन इमेज का ऐसा सूझबूझ वाला ऐसा हर विषय का यानी समस्या का हल खोजने वाला एक नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन हम क्या करें हमारे पास किसके नाम से वोट मांगे, हमारे पास तो नेता ही नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि हम नेता से वोट मांगा। ये उनका आरोप का लॉजिक, उनके नेता की कोई साख नहीं बना पाए, बल्कि कांग्रेसी लोग तो यहां तक कहते हैं कि भाई जो उनके कैंडिडेट थे आप वोट मांगने के लिए जाना कैंडिडेट के नाम से वोट मांग लेना, लेकिन गलती से भी नेता के नाम से वोट मत मांगना, जो देने वाला होगा वो भी नहीं देगा। और आज उनके नेता की जो हालत हुई है आप देख रहे हैं, अखबार वाले लिखते हैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने नीचे से नीचे की इकाई पन्ना प्रमुख इसकी व्यवस्था बना रही है, हरियाणा के अंदर 20 राजपूत है, लगभग 3 लाख पन्ना प्रमुख हमारे ये बनने जा रहे हैं, कुछ बन गए हैं कुछ बनने की प्रक्रिया में है 3 लाख पन्ना प्रमुख, और एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस वो पन्ना प्रमुख को दो अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में उलझे हुए हैं, अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में उलझे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि मैं तो रिजाइन देना चाहता हूं मैं हटना चाहता हूं, वो हटने नहीं देते। और जब लोगों ने पूछा कि आप हट क्यों नहीं रहे तो गुस्से में कहते हैं कि मैं हटके नहीं क्या करूंगा, मैंने त्याग पत्र दिया, मेरे समर्थन में तो किसी ने त्याग पत्र ही नहीं दिया, और उस दिन से उनके यहाँ त्याग पत्र का ड्रामा शुरू हो गया, एक कहता मैं त्याग पत्र देता हूँ दूसरा कहता मैं देता हूँ, इस ड्रामे से पार्टी उठती नहीं, पार्टी आगे बढ़ती है उसका लक्ष्य क्या है, उसका विचार क्या है, उसके काम करने की पद्धति क्या है। आज आपको याद आता है कि गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जनता ने पहचान लिया है कि वंशवाद ये परिवारवाद इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो परिवारवाद वंशवाद में निकलने के लिए तड़प है लेकिन मन में इरादा नहीं है, चाहते हैं हम आगे बढ़े, आरोप को सिद्ध हो चुका, आरोप से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निश्चय नहीं है, उस निश्चय के बिना आप कैसे बढ़ेंगे।